तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानने के बाद हम लोग एक एक करके इसके सीरीज को समझेंगे इसी प्लेलिस्ट के जरिए, जिस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आ जाइए, हम लोग समझते हैं अब आगे अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ये चार चीजों से मिलकर बना हुआ, जिसमें सबसे पहले नाम आता है अल्फाबेट का। अल्फाबेट्स क्या होते हैं इसको पहले समझ लें। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं हमारे पहले टॉपिक अल्फाबेट को। तो हम यहाँ पे क्या जानेंगे कि देयर इज ओनली वन अल्फाबेट इन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है। और इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि क्योंकि बहुत बार अगर हम क्वेश्चन ऐसा पूछे या एग्जाम्स में से क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं तो आप इसका आंसर गलत देके चले जाते हो, और ये बहुत गलत बात है क्योंकि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे वर्णमाला जो होता है वो एक ही होता है। और ये क्या होता है देखिए, इट इज लाइक अ गार्लैंड ऑफ 26 लेटर्स। ये एक तरह का गार्लैंड होता है, ये एक तरह का माला होता है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक तरह का माला होता है। कैसा माला होता है? तो ये एक ऐसा माला होता है जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। तो उम्मीद है कि आप अल्फाबेट को अच्छे से समझ रहे हैं। तो आगे देखते हैं अल्फाबेट में क्या हमने देखा कि ये 26 लेटर्स का एक गार्लैंड है, माला है। या तब यहां पर हम लोग को समझना होगा कि लेटर्स क्या होता है। तो देखिए नीचे लेटर्स दिया हुआ है, लेटर्स यानी कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, एंड इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स मौजूद होते हैं। इन 26 लेटर्स को आगे चल के हम लोगों ने समझा कि दो भाग में डिवाइड किया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर गया, यानी कि ये इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स और पार्ट्स। पहले पार्ट्स को हम लोग वोवेल्स कहते हैं और दूसरे पार्ट्स को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो वोवेल्स क्या होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं, इन 26 लेटर्स में से जो पांच होते हैं यानी कि ए ई आई ओ यू, इनको वोवेल्स कहा जाता है। ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वोवेल्स। अगर आपसे कोई पूछे वोवेल्स क्या होता है तो आप उसको सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं कि ए ई आई ओ यू को वोवेल्स कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कॉन्सोनेंट क्या होता है तो आप इसका यह भी जवाब दे सकते हैं, बी सी डी ऐसे निकाल निकाल के उसमें से पांचों को छोड़कर यह भी जवाब दे सकते हैं। आप साफ-साफ उसको ये भी कह सकते हैं कि rest 21 letters excluding vowels are consonant, यानी कि बाकी बचे 26 letters, sorry, यानी कि बाकी बचे 21 letters, 26 में से बचे 21 letters vowels को छोड़कर आर कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट। इस तरह से हमने समझ लिया कि वोवेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है और लेटर्स क्या होता है। अब हम लोग इस पे एक थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट समझेंगे, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अक्सर क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? तो आपसे ये पूछा जाता है कि सेमी वोवेल्स क्या होते हैं। सेमी वोवेल्स, जैसा कि नाम में ही आपको पता चल रहा है, सेमी वोवेल्स लगभग वोवेल्स, ठीक है, आधा वोवेल्स। इसका मतलब क्या हुआ? W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स। W और Y को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। सेमी वोवेल्स कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? देखिए क्यों कहा जाता है, और वी कैन से हम लोग ये कह सकते हैं कि समटाइम्स कभी कभी दे वर्क लाइक अ वोवेल्स, यानी कि कभी कभी W और Y काम करते वोवेल्स के जैसे। जैसे कि अगर हम यहां पे बोले अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलते हैं यहां पे कि फिल्मी, फिल्मी में जो हमारा वाई है ये फिल्मी यानी ई के जैसे काम कर रहा है। दूसरा साइकिल में जो वाई है वो आई के जैसे काम कर रहा है, ये भी एक वोवेल का ही साउंड है, लेकिन ये है वाई, ये है कंसोनेंट, लेकिन काम जो साउंड प्रोड्यूस कर ये वोवेल वाला काम कर रहा है। अगर नेक्स्ट देखे सीटी, तो सीटी में भी वाई ई का काम कर रहा है, साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ई, जबकि ये है वाई। तो इस तरह से हम क्या समझते हैं कि वाई और डब्ल्यू दोनों सेमी वोवेल्स होते हैं, यानी कि ये कंसोनेंट होते हुए भी वोवेल्स होते हैं, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सेमी वोवेल्स किसे कहा जाए, तो आप साफ साफ कह देंगे डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा वर्ड। वर्ड क्या होता है? द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड, यानी कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, अगर हम लेटर्स को मतलब के साथ सजाएं, कंबाइन करें और इसका एक ग्रुप बनाएं, तब हमें मिलेगा एक वर्ड। वर्ड क्या होता है देखिए आगे समझते हैं। नॉट द ग्रुप ऑफ लेटर्स सिग्निफाइज एन ऑब्जेक्ट एन एक्शन और मॉडिफाइंग ऑफ क्वालिफाइंग एक्सप्रेशंस, मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड वर्ड, यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स जो सिग्निफाइज, जो अर्थ बताते हैं, मीनिंग बताते हैं,
कुछ ऑब्जेक्ट्स के या कुछ एक्शंस के, यहाँ तो वो कुछ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या तो कुछ एक्शंस हो सकते हैं या किसी तरह के एक्सप्रेशंस को बताएंगे, तो इनको ही हम लोग कहेंगे वर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं बॉय, कैट, इंग्लिश आर कॉल्ड एक्सेट्रास आर कॉल्ड वर्ड। ये एग्जाम्पल्स हो गए वर्ड्स के। अगला नोट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, अक्सर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करें तो ये तो आपके लिए समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला है, वो होता ही ऐसा क्वेश्चन है वहां पे। देखिए क्या है ये सिंगल लेटर वर्ड्स क्या होते हैं। सिंगल लेटर वर्ड्स एक तरह के एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। कैसे? ए आई ओ, ये देखिए सिंगली है पर यहाँ पे हमारे वर्ड्स के लिए एक एक्सेप्शन है, आर एक्सेप्शन हेयर। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम कहें आई कैन बाई अ ग्रामर बुक, मैं खरीद सकता हूं एक ग्रामर बुक, तो यहां पे मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पे कितने सेंटेंस है, तो आप बोलोगे यहां पे आई कैन बाई अ ग्रामर बुक, यानी एक दो तीन चार पांच छह वर्ड्स है और छह वर्ड्स से मिला हुआ ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस को तो आगे पढ़ेंगे, वर्ड्स को समझना है। यहां पे कितने वर्ड्स है? यहां पे छह वर्ड्स है। तो हमने क्या जाना अभी कि जो कॉम्बिनेशन होते हैं और जो ग्रुप होते हैं लेटर्स के उन्हीं को वर्ड कहा जाता है, लेकिन यहां पे हमने आई और अ दोनों को भी वर्ड्स कहा। क्यों कहा वर्ड्स? इसका मतलब ये हुआ कि आई और अ ये सिंगल होते हुए भी वर्ड का काम करे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि कुछ सिंगल लेटर वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि ए आई ओ हो गए, ये सिंगली लगते हैं लेकिन वर्ड का काम करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने यहां पे इसे अच्छे से समझा होगा। सो हम यहां पे क्या समझ रहे हैं कि आई कैन बाई या ग्रामर बुक में छह वर्ड्स आए, यानी कि आई और अ भी एक वर्ड हुआ, ये सिंगल लेटर के जैसा ही एक वर्ड हुआ। सो दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड सिंगल लेटर वर्ड्स। तो उम्मीद है कि आपने अच्छे से वर्ड को समझ लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं सेंटेंस के तरफ। सेंटेंस क्या होता है? द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। जो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस कहलाते हैं। आगे देखिए, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कि अगर हम सेंटेंस में जो कुछ भी बोलेंगे ये अपना एक कंप्लीट सेंस देगा, यानी सुनने वाला व्यक्ति हमारे हर एक बात को अच्छे से समझेगा, वो एक कंप्लीट सेंस को लेगा। अगर हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं इसका मतलब क्या, हम एक कंप्लीट सेंस का ट्रांसफर करें सामने वाले पर्सन को। अगर वो हमारे कंप्लीट सेंस को समझ पा रहे तभी वो सेंटेंस है। अगर मीनिंगफुल बातें हम बोल रहे तो वो एक सेंटेंस है। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल सी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो पढ़ रही है एक न्यूज़पेपर। अगर हम ऐसा कुछ कहते हैं इसका मतलब क्या, एक कंप्लीट सेंस दिया जा रहा है यहां पे कि वो एक न्यूज़पेपर को पढ़ रही है। यहां पे नोट में क्या दिया हुआ है, इफ समवन आस्क डू यू नो मी, अगर आपसे कोई पूछे क्या तुम मुझे जानते हो, तो आप सिंपली अगर उसे जानते होगे तो बोलोगे यस आई नो यू, एंड अगर आप नहीं जानते हो तो उसे बोलोगे नो। तो इस तरह से आपने क्या समझा कि अगर हम उसे यस कहें तभी भी वो कंप्लीट सेंस को समझ जाएगा कि हाँ मैं जानता हूं, अगर नो कहें तभी इसका कंप्लीट सेंस निकलेगा कि ना मैं नहीं जानता। तो इस तरह से यस नो और इसके अलावा कई ऐसे वर्ड्स हो गए जो सिंगली आते हैं लेकिन उसको भी सेंटेंस या कंप्लीट सेंस वाले वर्ड सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें हम लोग कहेंगे सिंगल वर्ड सेंटेंस। इस तरह से हमने समझ लिया सेंटेंस को, वर्ड को, अल्फाबेट्स को, लेटर्स को, और यही था हमारा बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, पूरा देखा और इसे अच्छे से समझ लिया। तो अब आपके लिए कुछ बोनस वर्क का है, बोनस होमवर्क का है ये समय। तो हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर को सही से दे पा रहे हो इसका मतलब आप हमारे क्वेश्चंस को, आप हमारे इस वीडियो को अच्छे से समझे हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर ये ज्यादा अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम आपसे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम समझेंगे सेंटेंस से रिलेटेड अलग पार्ट्स को और यहां पे हम अपने ग्रामर सीरीज को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।